हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल एनालिसिस फॉर 23rd of June 2020। तो 23 जून 2020 का एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, जैसा कि हम करते हैं, दो क्वेश्चन मेंस के लिए आपको दे रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर द चाइनीज यूजिंग मेरीटाइम रूट टू कीप एन आई ऑन इंडिया। किस तरीके से चाइनीज यूज़ करते हैं मेरीटाइम रूट का टू कीप एन आई ऑन इंडिया। व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप दैट, हम किस तरीके से उसको रोक सकते हैं, इसका आंसर आपको 200 वर्ड में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, देयर इज स्टिल अ लॉन्ग रोड अहेड टू एंड द मेनेस ऑफ रेसिज्म डिस्कस। मतलब कि अभी भी रेसिज्म को खत्म करने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है। यू हैव टू डिस्कस दैट। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस फॉर यू। प्लीज डू ट्राई टू राइट द की वर्ड्स और की पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज डू गिव योर आंसर्स देयर। एंड दोज हु वांट टू जॉइन द टाइम्स पोर्टल और दोज हु वांट टू जॉइन टू आर करंट अफेयर्स PDF और फॉर आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दे कैन डू दैट बाय द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। और रिवीजन का, जैसा कि आपने बोला था कि रिवीजन करंट अफेयर्स का जो भी साल भर का है या डेढ़ साल का रहेगा, वो वी विल बी स्टार्टिंग दैट सीरीज वेरी सून। 102 दिन बचे हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो वी विल बी प्रिपेयरिंग 100 डेज टाइप ऑफ प्लान, समथिंग लाइक दैट। एंड इन दैट वी विल बी कंप्लीटिंग द एंटायर रिवीजन फॉर योर करंट अफेयर्स फॉर दीज 1.5 ईयर्स एंड समथिंग। ओके, सो प्लीज डू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक दैट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो लेट्स सी, आज जो हम डिस्कस करेंगे, 3 एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के, बिकॉज दे वर वेरी गुड एडिटोरियल्स, काफी ज्यादा अच्छे थे। एंड सी राजा मोहन, ही राइट्स वेरी गुड आर्टिकल, इनके आप पढ़ सकते हैं। जो भी सी राजा मोहन के आर्टिकल आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, दे आर वेरी वेरी गुड, सो यू शुड रीड दैट ऑल्सो, क्योंकि फॉरन पॉलिसी एंड जो डिप्लोमेटिक आंसर्स रहते हैं डिप्लोमेसी रिलेटेड, उसके बहुत अच्छे आर्टिकल सी राजा मोहन लिखते हैं। इसके अलावा हिंदू का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कंटेंट तो उसमें नहीं था, बट एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इन एंटी रेसिज्म फाइट द लिंडन बी जॉनसन ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला आर्टिकल हम। अब इस आर्टिकल में दो चीज़ें बताने लायक है, एक तो रेसिज्म के रिलेटेड जो भी हुआ है, जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर या जो भी प्रोटेस्ट हुआ जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद, है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा, इसमें लिंडन बी जॉनसन का काफ़ी ज़्यादा नाम आता है। ही वॉज द प्रेसिडेंट, ओके, ही वॉज द प्रेसिडेंट एंड उस समय उन्होंने 1964 में सिविल राइट्स एक्ट पास किया था अमेरिका में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रोल याद रखना है आपको लिंडन बी जॉनसन का, वो याद रखना है कि लिंडन बी जॉनसन ने 1964 में सिविल राइट्स एक्ट पास किया था अमिड ऑल द प्रोटेस्ट, अमिड ऑल द अपोजिशन एंड अपोनेंट्स। ओके, तो यहाँ पे इनका रोल यही लिखा हुआ कि LBJ स्टॉक्ड डाउन हिज अपोनेंट्स वन बाय वन ऑन वॉशिंगटन्स कैपिटल हिल टिल ही गॉट द सिविल राइट्स एक्ट पास्ड। जब तक कि सिविल राइट्स एक्ट पास नहीं हुआ तब तक वो लगे रह गए एंड मैनी वर अपोजिंग हिम। कई लोगों ने उनसे पूछा भी कि क्यों आप इतना रिस्क कर रहे हो, देन दैट व्हेन ही सेड दैट वेल व्हाट द हेल इज द प्रेसिडेंसी फॉर। सो ही, दिस वॉज हिज रिस्पॉन्स एंड ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पासिंग ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। यहाँ पर सिविल राइट्स एक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, फैक्चुअल पार्ट जो है। तो सिविल राइट एक्ट जो है 1964 में पास हुआ बाय द प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ऑन 2 जुलाई 1964। तो 2 जुलाई 1964 को ये पास हुआ था। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उस समय, मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसका नीचे, तो पब्लिक प्लेसेस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, दिस वॉज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट। इट प्रोवाइडेड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ स्कूल्स एंड अदर पब्लिक फैसिलिटीज एंड मेड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन इलीगल। तो एम्प्लॉयमेंट में जो डिस्क्रिमिनेशन था, पब्लिक प्लेसेस में जो डिस्क्रिमिनेशन था, या स्कूल्स का इंटीग्रेशन नहीं था, डिस्क्रिमिनेटेड स्कूल चल रहे थे, उनका पूरा डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया गया। दिस डॉक्यूमेंट वॉज द मोस्ट स्वीपिंग सिविल राइट्स लेजिस्लेशन सिंस रिकंस्ट्रक्शन। तो ये सिविल राइट्स डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लिंडन बी जॉनसन का योगदान काफ़ी ज़्यादा रिकोगनाइज किया जाता है। अब जैसा कि हमने बोला डिस्क्रिमिनेशन का मैं एग्जाम्पल दूंगा, तो इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आता हुआ था रोजा पार्क का एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एंड रोजा पार्क को मदर ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका कहा जाता है, मदर ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका। एक केस हुआ था, मॉन्टगोमेरी बस केस, इसमें लिखा नहीं है, बता देता हूँ, 1955 में हुआ क्या कि शी वॉज ट्रेवलिंग एंड बस में कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता था पहले कि आगे की सीट्स जो थी दे वर रिजर्व फॉर द वाइट सिटीजन्स ऑफ दैट प्लेस। ओके, सो द जो आगे की सीट रहती थी दे वर रिजर्व फॉर द वाइट सिटीजन। तो रोजा पार्क सीट sat down on that
वो वहाँ पे बैठ गई वाइट उसमें, लेकिन जब उनको हटाया गया तो शी रिफ्यूज टू डू दैट, उसने हटने से मना कर दिया एंड शी अपोज दैट वाइट सुप्रीमेसी, जो भी सुप्रीमेसी चल रही थी वाइट्स की, उसको अपोज किया था एंड शी वॉज वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ दैट, जो एक तरीके से जो मास लेवल पे अवेयरनेस फैलाने वाला कहना चाहिए केस था, वो था मॉन्टगोमेरी का बस केस, रोजा पार्क 1955 में उसको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ स्टार्ट हुई है अमेरिका में, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। 1964 में सिविल राइट्स एक्ट फाइनली लिंडन बी जॉनसन ने पास करवाया 2 जुलाई 1964 को, विच प्रोहिबिटेड द डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस, प्रोहिबिटेड द डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, उसको इलीगल कर दिया गया एंड इट प्रोवाइडेड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द स्कूल्स एंड ऑल। ओके, तो स्कूल के इंटीग्रेशन की बात भी की, तो ये चीज इस आर्टिकल में लिखी गई है। एग्जाम्पल रोजा पार्क का जरूर इसमें नहीं दिया हुआ था, लेकिन आई इंक्लूडेड दैट ऑल्सो ताकि आपको थोड़ा कंटेंट मिल जाए, जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो आप रोजा पार्क्स के बारे में, लिंडन बी जॉनसन के बारे में आप मेंशन करोगे, तो वहां से आपको ज्यादा अच्छा एक आपका ज्यादा अच्छा वो बनेगा, मार्क्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे। हाउ इट इज इन यूरोप, अगर यूरोप की बात करें तो क्या है डिस्क्रिमिनेशन का स्टेटस, तो इट इज नॉट एज इफ पीपल इन यूरोप आर नॉट रेसिस्ट। तो ऑथर का यहाँ पर यह कहना है कि ऐसा नहीं कि यूरोप में लोग रेसिस्ट नहीं है, वहां पे भी है। द रीसेंट सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस ब्रॉट दैट आउट। तो सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस में जिस तरीके से आपने देखा कि वहां पे देखो, रेसिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट कलर, सिंपल सी बात मैंने उस दिन भी कहा था, रेसिज्म सिर्फ कलर बेस्ड नहीं होता, कलर इज जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ रेसिज्म। रेसिज्म इज समथिंग जब वो रेस से जुड़ जाए, आप एक रेस को सुप्रीम मानने लगो, दूसरी रेस को उससे नीचे कंपेयर करने लगो, जब कंपैरिजन ऑफ रेसेस स्टार्ट हो जाता है। रेस क्या होती है, मैंने उस दिन भी कहा था, रेस रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल डिसेंट, जो एक बायोलॉजिकल डिसेंट से आते हैं, जिनके फेशियल एक्सप्रेशन एक जैसे होते हैं, कुछ एक जैसे दिखते हैं और उनकी बातचीत एक जैसे रहती है, तो वो एक रेस बनाते हैं बिकॉज दे कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल डिसेंट एरिया, ठीक है ना। तो रेस इज नॉट जस्ट अबाउट कलर, इसमें बहुत चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। रेसिज्म तब आता है जब आप कहना चाहिए कि जब ये कंसेप्ट ऐसा हो जाता है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है, कहने लगते हैं कि हम एक रेस, एक बायोलॉजिकल डिसेंट के जो लोग हैं, दे आर मच बेटर देन द अदर बायोलॉजिकल डिसेंट पर्सन, तब ये रेसिज्म की वो चीज़ शुरू हो जाती है। तो यूरोप में भी जब सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ, तो वहाँ पे सीरियन रिफ्यूजीज को लेने से मना कर दिया। कई कंट्रीज हमने यूरोप की देखी, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे उन्होंने लिमिटेड नंबर कर दिया, तो ये सारी चीज़ें भी हुई थी। सो दैट हैपेंड देयर। तो जो सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस में हमने देखा, वो भी एक तरीके का रेसिज्म ही है, लेकिन यूरोप में जो इंसिडेंट्स हैं वो इस तरह के कम होते हैं, जो पुलिस ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो इस लेवल पर जो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम होता है ज़रूर अमेरिका के कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तो, ठीक है ना। सो दैट वर द थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। सो इस आर्टिकल में मेन जो थी चीज़ें मैंने आपको बता दी, फैक्ट मैंने आपको ऐड कर दिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, वो है एंड ऑफ मेक बिलीव। अब ये जो आर्टिकल, इसमें दो पॉइंट्स उठाए गए हैं। दो पॉइंट्स कौन कौन से उठाए गए हैं, पहला तो ये उठाया गया है कि हम हमेशा से वेस्ट और अमेरिका को ये सोचते आ रहे हैं कि वेस्ट एंड अमेरिका दे आर द रीज़न ऑफ डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में जो डिवीज़न हुआ है बिकॉज ऑफ द वेस्ट, बिकॉज ऑफ द अमेरिका एंड उनकी इस तरह से पॉलिसीज रही कि वो डिवाइड करना चाहते हैं हमको, ये हमारा पहला बिलीफ है। ओके, दूसरा जो है, हम चाइना के बारे में भी गलत गलत इंटरप्रिटेशंस रखते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू से भी गलती हुई थी चाइना को समझने में, जब उन्होंने पंचशील 1954 में साइन किया था। सेम गोज विद इंडिया एज वेल, चाहे वो वुहान समिट 2018 का हो, उसके बाद हमने मल्लापुरम में भी मीटिंग की उनसे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दो लेवल पे हम मिस कर गए। तो अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि एक नई चाइना पॉलिसी की ज़रूरत है, वी नीड टू डेवलप अ न्यू चाइना पॉलिसी नाउ, एक नई चाइना पॉलिसी की ज़रूरत है। लेकिन नई चाइना पॉलिसी बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा चाइना के राइज को, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि चाइना बहुत आगे जा चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। आप खुद को सेल्फ मतलब ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चाइनाज राइज। एंड देन दूसरा आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि वेस्ट हमको डिवाइड कर रहा है, वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस देयर एज वेल। तो यहाँ पे ऑथर स्टार्ट करता है, द ट्रेजेडीज रूटेड इन परसिस्टेंट पॉलिटिकल फैंटेसीज, रिफ्यूजल टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स and believe that US and West are the source of India's problem with China. तो मेजर जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि पॉलिटिकल फैंटेसीज एंड हम अपनी पुरानी मिस्टेक से सीखते नहीं हैं, एंड हमको क्या लगता है, वी बिलीव दैट US एंड West आर द सोर्स ऑफ इंडियाज़ प्रॉब्लम विद चाइना। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि हम
कुछ इवेंट्स दिए हैं, कुछ इंसिडेंट दिए हैं जहां हमने चाइना के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश की और क्या क्या किया। तो पहला इवेंट जो आता है वो 1924 में रवीन्द्रनाथ टैगोर के साथ आता है। ही वॉज विजिटिंग चाइना फॉर डेवलपिंग अ शेयर्ड एशियन स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन। एक शेयर्ड एशियन स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन बनाने के लिए 1924 में रवीन्द्रनाथ टैगोर गए थे चाइना, बट ही केम एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम देयर। वो वहां से खाली लौट आए बिकॉज ऑफ द रेडिकल ग्रुप्स विच वर प्रेजेंट इन चाइना। सो दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू 1927 में चाइनीज नेशनलिस्ट से मिले एट द ब्रुसेल्स, एंड वहां पे उन्होंने इशू किया एक स्टेटमेंट ऑन डिफीटिंग द वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को डिफीट करने का स्टेटमेंट दिया था 1927 में चाइनीज नेशनलिस्ट से मिलने के बाद ब्रुसेल्स में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और कांग्रेस को ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप चाइनीज के साथ एक हो जाओ और डिफीट कर दो जापान को, तो इंडियन जो कांग्रेस थी उस समय की उसने उसको मना कर दिया वो काम करने से, एंड दे सेड वी विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन द वॉर नाउ। एंड वहां पे चाइनीज के साथ जो यूनिफिकेशन हमारा हो सकता था अगेंस्ट जापान वो हमारा पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रीच्ड आउट टू द कम्युनिस्ट रूलर्स ऑफ चाइना, कैंपेन अगेंस्ट द वेस्टर्न अटेम्प्ट टू आइसोलेट देम, सेरेनेडेड चाइनीज प्रीमियर झाओ एनलाई एट द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस इन बैंडंग। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंडंग इंडोनेशिया में 1955 में, ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस इन बैंडंग इंडोनेशिया 1955 में ये हुई थी। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने की, उसके बाद हमने देखा कि 1959 में दलाई लामा का असाइलम अप्रूव कर देता है इंडिया, 1962 में वॉर आ जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद के इवेंट्स हैं। यहीं पे हमारे एफर्ट्स नहीं रुकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में फिर से बीजिंग के पास गए टू री इंगेज विद चाइना। उसके बाद हमने ये देखा कि उनके लौटने से पहले बीजिंग ने वियतनाम के ऊपर वॉर घोषित कर दिया। इसके बाद एशियन सॉलिडारिटी में राजीव गांधी 1988 में उन्होंने फिर से ये बोला कि चाइना के साथ हमको अच्छे रिलेशनशिप रखने। तो ये सारे इवेंट्स याद रखना, दीज आर द इंस्टेंसेस जहाँ पे इंडियन एफर्ट्स लगी हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की हो, चाहे वो रवीन्द्रनाथ टैगोर की हो, चाहे वो राजीव गांधी की हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की हो। दीज आर द एफर्ट्स विच यू नीड टू मेंशन इन द आंसर राइटिंग पार्ट। जब भी आंसर राइटिंग होगा तो आपको इस मेंशन करना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन आएगा। अब अगर हम आगे बात करें कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें ख़राब हैं, चाइना किस तरीके से अपना आगे बढ़ा, तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ये तो इवेंट्स थे जो डिप्लोमेसी के लेवल पे हम फेल हुए। न केवल डिप्लोमेसी के लेवल पे बल्कि इकोनॉमी के लेवल पे भी हम फेल हुए। इकोनॉमी के लेवल पे हम कैसे फेल हुए, जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ वो हमारे टोटल ट्रेड डेफिसिट के आधे से ज़्यादा हो गया है। मतलब कि इंडिया का चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है, सबसे पहले बात तो ट्रेड डेफिसिट निकालते कैसे हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट निकालते हैं। अब अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपका निगेटिव आता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर आपका निगेटिव वैल्यू आती है तो वो डेफिसिट कहलाएगा, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो सरप्लस कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ बहुत ज्यादा है, सबसे पहली बात तो याद रखनी है। इसके बाद 1990s में पीवी नरसिम्हा राव ने और उनके बाद जो लोग आए उन्होंने चाइना और रशिया के साथ काफ़ी हाथ मिलाए और कहा कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे हम लोग। मल्टीपोलर वर्ल्ड कैसे, क्योंकि उस समय डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो गया था, तो केवल एक पावर बची थी, सुप्रीम पावर, वो थी यूएसए। तो यूएसए के अगेंस्ट हम चले गए और हमने कहा कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे और चाइना और रशिया के साथ हमने हाथ मिला लिया। नतीजा ये निकला कि आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो आज एक बाईपोलर वर्ल्ड फिर से तैयार हो गया, जिसमें एक पोल है आपका वाशिंगटन अमेरिका, यूएसए आज भी एक पोल बना हुआ है, दूसरा पोल अब चाइना बन गया है। तो जिनसे हमने हाथ मिलाया था वो खुद एक पोल बन के सामने आ गया। हम एशियन पोल बनाना चाहते थे बट वो चाइनीज पोल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो हमको ये लगता रहा है हमेशा से, वी हैव ऑलवेज थॉट दैट यूएस इज डिवाइडिंग इंडिया एंड चाइना, यूएस जो है वो इंडिया चाइना को डिवाइड करता है। बट ऑथर का ये कहना है कि हमारे आपस के बीच में एशियन सुप्रीमेसी को लेकर के ऑलरेडी इतनी लड़ाई है कि देयर आर इनफ रीजंस, बहुत सारे पर्याप्त रीजंस हैं अभी भी इंडिया के पास और चाइना के पास कि वो एक दूसरे के साथ कंसिलिएट नहीं कर पाते या मिल नहीं पाते, हमको यूएसए की ज़रूरत नहीं है फॉर बीइंग डिवाइडेड एंड ऑल। ये चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली है। जैसा कि ऑथर ने कहा कि जापानीज वॉर में जब जापान ने अटैक कर दिया था चाइना में, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने हमको कहा था कि हम यूनाइट हो जाएं, बट वी रिफ्यूज टू डू दैट। ओके, लंदन ने ज़रूर ऐसा कहा था कि हमको यूनाइट हो जाना चाहिए चाइनीज़ के साथ, बट वी रिफ्यूज टू डू दैट, हमने मना कर दिया। चाइना ने लेकिन हमेशा, अगर आपने देखा हो तो उसने जो दे नेवर रियली बॉट इन टू द इंडियन आइडियाज ऑफ बिल्डिंग कोलिएशन अगेंस्ट द वेस्ट, उन्होंने कभी इस तरह से वेस्ट के अगेंस्ट कोलिएशन नहीं बनाया। इंडिया ने हमेशा कहा कि हमको वेस्ट के खिलाफ खड़े होना है, ये करना है, लेकिन
चाइना बहुत अच्छे से गेम खेला हमेशा उन्होंने, दे ऑलवेज डेवलप्ड सस्टेन्ड रिलेशनशिप विद यूएस, यूरोप एंड जापान। उन्होंने हमेशा यूरोप यूएस जापान तीनों के साथ उन्होंने अपने अच्छे संबंध बनाए। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि इंटरेस्ट आर परमानेंट, देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंडशिप, देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी, बट द इंटरेस्ट आर परमानेंट। ओके, तो ये चीज़ हमेशा उन्होंने कही है चाइनीज़ ने, और वही वाली बात है कि उन्होंने हमेशा अमेरिका, यूरोप और जापान के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, कोऑपरेशन करके रखा। तो दीज आर द थिंग्स विच चाइनीज डू। ओके, एंड हम क्या करते हैं, हम बेवकूफ़ों की तरह हर समय खड़े होकर बोल देते हैं कि ये कंट्री हमारे साथ कर रही है ऐसा, हम इसके अगेंस्ट होंगे, हम वेस्टर्न सुप्रीमेसी के अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो ऐसा चाइना ने कभी नहीं किया। तो ऑथर ने यही कहा कि वी नीड टू एक्नॉलेज चाइनाज ड्रामेटिक राइज एंड वी नीड टू रिकोगनाइज द स्केल ऑफ द चैलेंज। अगर हम रिकोगनाइज नहीं करेंगे कि चाइना इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो हम कभी भी उनको उनसे मतलब पीछे करने की बात तो नहीं, लेकिन उसके बराबर भी नहीं आ पाएंगे। तो ये चीज़ ऑथर ने कही है, हमको नई पॉलिसी जो डेवलप करनी है उसके पहले हमको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। दूसरा जो आर्टिकल है वो है इन ऑल फेयरनेस। अब ये आर्टिकल जो है ब्लैक लाइव्स मैटर वाले मूवमेंट के ऊपर है कि इसके बाद हुआ क्या है कि यूएस की जो कंपनीज हैं, जैसे कुछ कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन हो गई, दे हैव एग्जिटेड द फेस वाइटनिंग कैटेगरी इन एशिया। एशिया में जो फेस वाइटनिंग कैटेगरी की क्रीम वो ये सब लेके आते थे, उससे वो बाहर आ गए हैं। ओके, एंड न्यूट्रोजेना फाइन फेयरनेस एंड क्लीन एंड क्लियर, ये सब जो प्रोडक्ट्स थे वो सब उनको वापस किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इंडिया में एक ब्रांड चलता है यूनिलीवर का, फेयर एंड लवली, इसमें याद रखना फेयर एंड लवली का नियासिनामाइड जो रहता है वो इनहिबिट कर देता है मेलानिन के प्रोडक्शन को। मेलानिन आपके बॉडी को जो है थोड़ा टिंटेड इस तरह का कलर देता है, थोड़ा डार्क कलर देता है मेलानिन, तो ये जो पिगमेंट है इसके प्रोडक्शन को कम कर देता है नियासिनामाइड, जो कि फेयर एंड लवली में पाया जाता है नियासिनामाइड, और वो इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन को, और इस तरह से वो आदमी को जैसे कि उसका कलर थोड़ा फेयर कर देता है। तो ये भी इसके ऊपर बेसिकली कैंपेन शुरू हो गया है, इसके अगेंस्ट कैंपेन शुरू हो गया है। अब ऑथर ने कहा है कि केवल फेयरनेस क्रीम्स में ऐसा नहीं कि रेसिज्म दिखता है, वो रेसिज्म आपको बहुत जगह दिखेगा, जैसे कैरम और चेस का एग्जांपल ऑथर ने दिया है। कैरम और चेस में ये हमेशा बोला था कि पहले सफ़ेद गोटी चलेगी, ओके, सफ़ेद गोटी पहले खेलेगी, वो पहले ऐसा क्यों होता है कि वाइट वाले पहले टर्न लेते हैं, ब्लैक वाले बाद में टर्न लेते हैं। तो ये भी ऑथर ने कहा कि इस तरीके से हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं इनग्रेंड है कि वाइट प्लेयर पहले खेलेगा, जो वाइट जिसकी कैरम में भी ये होता है, चाहे वो चेस हो। तो ऑथर ने ये दोनों एग्जाम्पल भी दिए कि ये एक तरीके से हमारे माइंडसेट में इनग्रेंड है कहीं ना कहीं कि जो फेयरर है, जो इस तरह से वो उसको पहले अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो दिस इज़ इनग्रेंड, एंड ये इस लेवल पे हमको दूर करना पड़ेगा, तब जाके आप रेसिज्म से बाहर आ सकते हैं। तीसरा जो आर्टिकल है वो है सिक्योरिंग द सी लेंस। अब इस आर्टिकल में किस तरीके से हम अपने सी लेंस को सिक्योर करके रख सकते हैं, हुआ क्या है, हुआ ये है बेसिकली कि चाइनीज़ मेरीटाइम रिसर्च एक एंड सर्वे वेसल था, चाइनीज़ मेरीटाइम रिसर्च एंड सर्वे वेसल था, वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंटर कर गया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको पता नहीं क्या होता है, देखो पहले 12 नॉटिकल माइल तक आपका टेरिटोरियल सी होता है, टेरिटोरियल सी आपका 12 नॉटिकल माइल तक होता है, फिर 24 नॉटिकल माइल्स तक आपका कंटिग्यूस जोन होता है, फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है ना। तो 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर्स, 24 नॉटिकल माइल्स तक आपका कंटिग्यूस जोन, और 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंटर कर गए, लेकिन इंडिया का लेजिस्लेशन एक्ट नंबर 80 जो कि 1976 में आया था, उसका ये कहना है कि फॉरेन मेरीटाइम साइंटिफिक वेसल है अगर कोई, जिसको कि रिसर्च और इस तरह की चीज़ें करनी है, तो उसको पहले एक लाइसेंस लेना पड़ता है, पहले परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद वो ऐसा कर सकता है। लेकिन चाइना ने क्या क्या बोला कि ये ग्लोबल रिसर्च के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या ज़रूरत थी, और इंटरनेशनल लॉ ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, ठीक है ना। अभी एशिया मैरिटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव सर्वे हुआ था, एशिया मैरिटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव सर्वे, उसके अकॉर्डिंग अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक चाइना ने लगभग 25 मैरिटाइम सर्वे मिशंस किए हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जिसमें 10 तो आपके यूएस, ये अगर आप देखो तो ये 25 से 27 जो सर्वे है मिशन है वगैरह देखो तो कुछ कंट्रीज़ के क्यूमुलेटिव सर्वेस के बराबर है। यूएस ने 10 लिए हैं, जापान ने 6, इंडिया ने 4, ऑस्ट्रेलिया ने 3, फ्रांस ने 3 एंड फिलीपींस ने 1। तो ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने भी इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है, इंडिया को भी करना चाहिए। अब देखो लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन जो है, लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन अनक्लॉज कहलाता है, अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी, उसका ये कहना है कि राइट टू इनोसेंट पैसेज होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में राइट टू इनोसेंट पैसेज होती है, और आप जैसे रिसर्च वेसल्स इंटर कर सकते हैं। लेकिन
कंट्री लेवल पे ये डिफरेंट है। जैसे कि चाइना खुद जो है वो अपने लेवल पे ये बोलता है कि अगर आपको साइंटिफिक रिसर्च भी करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो चाइना ने खुद अपने कंट्री के लिए ये नियम बना रखा है कि अगर आपको रिसर्च के लिए वैसे लाना है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जहाँ राइट टू इनोसेंट पैसेज है, इनोसेंट पैसेज का मतलब कि आप अटैक नहीं कर सकते, आप नॉर्मली वहाँ से निकल जरूर सकते हो, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। चाइना ने खुद ऐसा कहा हुआ है, ठीक है ना। यूएसए में बल्कि ऐसा नहीं होता, यूएसए आर्टिकल 58, 86 और 87 जो अनक्लॉज का आर्टिकल उसका हवाला दे करके बोलता है ऐसा नहीं है, इसकी परमिशन लेने कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चाइना ज़रूर ये बोलता है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो ये चीज़ होती है और वो खुद परमिशन नहीं ले रहे, तो मतलब वो उनके लॉस को आप मतलब रिस्पेक्ट करो लेकिन वो आपके लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दिस इज़ वॉट दे मीन, है ना। तो चाइनीज़ कुड स्टेप अप देयर एफर्ट्स टू सिक्योर, अब ऑथर ने यहाँ बोला कि आगे आने वाले टाइम में चाइना और ज़्यादा इस तरह के सर्विलेंस, इस तरह के प्लान्ड जो एफर्ट्स इनको बढ़ा सकता है। क्यों, कैसे? पहला जो चीज़ ऑथर ने बताया कि चाइनीज़ माइट ट्राई टू सेंड अनदर सर्वे वेसल विदाउट अवर प्रायर परमिशन इन द ईईज़ेड, तो वो फिर से एक हमारे वेसल भेज सकता है हमारी कंट्री में। दूसरा है दे माइट डिप्लॉय अनमैंड अंडर वाटर ड्रोन्स इन अवर ईईज़ेड, अनमैंड अंडर वाटर ड्रोन्स भी वो छोड़ सकते हैं हमारे अंडर वाटर्स में, अनमैंड अंडर वाटर ड्रोन्स वो छोड़ सकते हैं इन अवर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पर वो चीज़ बोल रहे हैं। तीसरा वो क्या कर सकते हैं, थर्ड इज़ दैट चाइना माइट सेल अ प्लान इंटेलिजेंस गैदरिंग शिप, एक प्लान इंटेलिजेंस गैदरिंग शिप वो प्लान कर सकते हैं, बेसिकली दे माइट सेल प्लान इंटेलिजेंस गैदरिंग शिप जो कि आपके जस्ट आपके टेरिटोरियल वाटर के बाहर तक आता है और उस तरह से इनोसेंट पैसेज के नाम पे वो सर्वेलेंस और ये सारे काम करता है, नेविगेशन का काम करता है, आपके आपके जो अंडर वाटर सोनार और ये सारी चीज़ें हैं उनके बारे में पता करता है, ठीक है ना। सो ये चीज़ ऑथर ने कही है, द नीड फॉर अ कम्प्रिहेंसिव अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस स्ट्रेटजीज प्रेसिंग, ऑथर ने इंडिया के लिए सजेशन दिया कि आपको एक UDA यानी कि अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, अंडर वाटर मतलब कि पानी के अंदर की चीज़ों के बारे में अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी नेशनल सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं, चाहे वो नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो गए, उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए और उनके कोलैबोरेशन के बाद जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनका कोलैबोरेशन बनाना चाहिए ताकि आप अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के काम कर सकें, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि अगर जैसे प्लान इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है तो उसको रोकने के लिए आप चाइनीज टैक्टिक्स का यूज़ करना चाहिए आपको, जिसमें एक बहुत अच्छी टैक्टिक्स है मैरीटाइम मिलिशिया। मैरीटाइम मिलिशिया में क्या किया जाता है कि जो आपके फिशिंग ये कम्युनिटीज़ होती हैं उनको उनके बोट्स का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू ब्लॉक द प्लान वेसल्स, प्लान वेसल्स को रोकने के लिए फिशिंग कम्युनिटीज़ का यूज़ किया जाता है और इसको मैरीटाइम मिलिशिया बोलते हैं। तो मैरीटाइम में आपको मिलिशिया तैयार करना पड़ेगा तभी आपको अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस और ज़्यादा अच्छे से मिल पाएगी। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।